अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो मेहमान आए हुए थे, घर में दावत थी, तो चला रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो कुछ यूँ था, प्याज फ्राई किए थे। वैसे भी मेरे चैनल पर यह वाइट कढ़ाई की रेसिपी है, तो ये सारी आप देख सकते हैं। एक एक पॉइंट को तो आप वैसे भी पढ़ी हुई है, दोनों रेसिपी चाइनीज़ फ्राइड राइस की भी है और इसकी भी है। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती थी, और साथ साथ कुछ बातें भी हो जाएंगी। अब लोगों से हाल हवाल भी पूछ लेते हैं कि कैसे है भाई, सारे कैसे रह रहे हैं, कैसे ज़िंदगी गुजर रही है। अच्छे अच्छे कमेंट लाजमी कर दिया करें, अपने दिल का हाल बताया करें, कैसे रहते हैं आप लोग, क्या करते हैं आजकल, क्या मसरूफियत है आप लोगों की। खुश रहते होंगे यकीनन, अल्लाह ताला आप सबको रखे जहाँ रखे, खुश रखे, शादो आबाद रखे। हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके पीछे हमें भी वही खुशियाँ दे जो दूसरों को दे। तो अपने लिए जो मांगो वो दूसरों के लिए लाजमी मांगो। तो ये सारी चीज़ें यार देख लें आप साथ साथ। मैं आज बोलूँगी नहीं क्योंकि आज मैं आप लोगों से करूँगी बातें बहुत सारी, ढेर सारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का, हमारे अच्छे दिन गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे इंसान को, बंदे को खुश रहना चाहिए और यही सीखना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे दिल नहीं बुरा करना चाहिए, क्योंकि जो दिल बुरा करता है, जैसा मूड होता है वैसे बंदे का चेहरे के अक्स हो जाते हैं, वैसे बंदे का इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप, ये आजमाई हुई बात है, अगर आप खुश रहेंगे, खुश रहना सीखेंगे, तो आपके चेहरे का अक्स वैसा ही होगा, एक मुस्कुराता सा। तो अगर आप लोग गुस्से में रहते हैं, गुस्सा करते हैं, तो वैसे ही आपका चेहरा हो जाएगा। जो ऐसे कैसे एक बंदा फील होता है, डर सा जाता है, ये कैसा चेहरा है। तो इसलिए आप ज़्यादा खुश रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, बच्चों के साथ मोहब्बत करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दिन गुजर रहे हैं हमारे। शादी है इधर हमारे, तो उसके साथ मैं आपको सारी उसकी तैयारियाँ और सारा साथ साथ बताती जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। तो इसलिए आपने अच्छे अच्छे कमेंट लाजमी करने हैं और अच्छी अच्छी बातें किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, ढेर सारी खुशियाँ दे, और खुश रहो हमेशा। तो कुछ यूँ था, मेहमान आए थे। तो कुछ यूँ था, कज़न आया था, मेरा मामू का बेटा था, सऊदी अरब से आया था, तो उसके लिए दावत की थी हमने। तो चाइनीज़ राइस बनाए थे और ये मलाई चिकन बनाया था। अच्छी रेसिपी है, अच्छा बनता है, ट्राई लाजमी करें आप लोग। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये सब कैसी लगी, और मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं, मैं कैसा बोलती हूँ, मुझे कहाँ कैसा बोलना चाहिए, कैसे कैसे बोलना चाहिए। तो आज के कल वैसे भी PSL चल रहा है, तो घर में सारे जो मर्द हैं वो जोर शोर से PSL, और हमारे घर में TV न्यूज़ और ऐसे दिलचस्पी बड़ी ली जाती है। पाकिस्तान के मर्दों को वैसे भी बीमारी है कि सियासत में उन लोगों ने पूरा हिस्सा लेना है। हालांकि पाकिस्तान में कोई अच्छा सियासतदान नहीं पैदा होता जो वाम की मैार पे पूरा उतर सके। बस है सारे सियासती, लेकिन पूरा कोई भी नहीं उतरता। इनमें से किसी एक को बना के देख लो, ये भी ऐसे ही होंगे कि हम ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं, औरतें तो ऐसी ही हैं, औरतें ऐसे करती ही हैं। औरतों को क्या काम है, सारा घर औरतें संभालती हैं, फिर भी औरतों को कोई काम नहीं होते, बस ये ऐसे ही कहते हैं। बाकी इनके सरों पे ही घर चलते हैं। अल्लाह ताला इनको हमेशा सलामत रखे, अल्लाह ताला इनको बहुत सारी खुशियाँ दे, और ताकि ये हमारी खुशियाँ पूरी करते रहें, हमारे बच्चों पर ये सलामत रहें। तो कज़न आए थे, उसके लिए हमने खाना बनाया, तो आपके साथ रेसिपी सारी मैंने शेयर कर दी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करने, कैसी लगी। तो मैं तो वैसे लाहौर को सपोर्ट कर रही हूँ, हमारे घर में कुछ है, मेरे भाई है, एक मेरा कज़न है, वो मुल्तान को कर रहे हैं। मुल्तान वाले तो मुझे वैसे ही नहीं, बस फिर क्या है, मुझे नहीं अच्छे लगते, वो उसकी टीम नहीं अच्छी लगती, बाकी सब ठीक है। बाकी सब जो अच्छा खेलेगा उसकी जीत होगी। तो शादी है कज़न की, उसी के जो आए थे कज़न, उनके ही शादी है, उसकी सिस्टर की और भाई की। तो
तो व्लॉग्स मैं लाजमी बनाऊंगी। शॉपिंग तो मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि घर में मसरूफियत थी, कुछ हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी पहले, फिर वो शादी पे चले गए, फिर मेरी होगी, फिर इब्राहिम की भी साथ ही तबीयत ख़राब होगी, तो इस वजह से बस बिज़ी ज़्यादा रहे, इसीलिए मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की। तो कुछ शादी की तैयारियों में बाज़ार जाते हैं शॉपिंग के लिए, बस ऐसे मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो गई है कि बस इसीलिए टाइम ही नहीं दे होता। हालांकि मुझे एक दो वीडियो लाजमी बनानी चाहिए, बस फिर भी ऐसे हो जाता है। बनती नहीं है मुझसे। और बताना सारा मेरे चैनल को विजिट करके कि आपको रेसिपीज कैसी लगती हैं। बाकी अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, खुशियाँ दे। मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, जहाँ भी रहें हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपके माँ बाप को हमेशा आपके सरों पे सलामत रखे, और जिनके गुजर चुके हैं उनको जन्नत में जगह दे। और अल्लाह ताला आप सब मेरे माँ बाप के लिए भी दुआ करें, भाइयों के लिए दुआ करें, बहनों के लिए करें कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला उनको हमेशा हमेशा सलामत रखे और उनका कोई दुख हमें देखने को ना मिले। तो बस ज़िंदगी है, चलती रहती है, दुख सुख ज़िंदगी में आते रहते हैं, तो बंदे को इसकी ना हौसले से काम लेना चाहिए। अगर रिश्तेदारों के मामले में, बहन भाइयों के, सक्के रिश्तों के मामले में हम लोग अगर वज़न करते हैं ना, तो हमें हमेशा अपना ही वज़न ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर हम अपनी खूबियाँ ही देखते हैं, अगले बंदे की खूबी नहीं देखते। तो बहन भाइयों के रिश्तों के मामले में आप लोगों को ये नहीं वज़न नहीं करना चाहिए अपना, क्योंकि जब इंसान उनको किसी तराजू में तोलता है ना रिश्तों को, तो अपना ही वज़न ज़्यादा निकलता है। तो इसीलिए प्लीज़ अच्छा गुजारा करें बहन भाइयों के साथ। ये ऐसे रिश्ते हैं जो हमारे साथ बहुत मुखलस होते हैं, बस बाकी दुनिया के सारे रिश्ते मतलब ही होते हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सलामत रखे, और आपके माँ बाप को भी हमेशा खुश हो शाद और आबाद रखे। तो दुआओं में याद रखना, और मेरे नाम सिर्फ यही है, इतनी सारी बातें करने का मतलब भी यही है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाजमी देखा करें, सारा देखा करें, और आगे भी शेयर कर दिया करें। और आ जाएं सब खाना खा लें, मैंने भी खा लिया, आप लोग भी खाएं, बड़ा मज़े का बनाए, तो इंजॉय करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।